गणेश जी के लिए हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान करते हैं, क्योंकि ये मेन मूर्ति है होती है, लगभग इसकी जो लंबाई होती है 18 फीट होती है, और हर साल तरह तरीके की चीज़ों से हम लोग इसका श्रृंगार करते हैं। पिछले लास्ट टाइम कोविड काल से पहले हम लोगों ने इस मूर्ति को LED से पूरा सजाया था, पूरी जो मूर्ति थी LED से ही करा था और टोटल लाइटिंग थी पूरी। अभी उसी उसमें हमने इस साल सोने के पूरा श्रृंगार सोने के का प्लान करा है। इसमें पूरी गणेश जी की बाबा की प्रतिमा सोने से ही श्रृंगार कर रहे हैं हम इसको। ये हमारे डॉक्टर ताऊ की सपना था काफ़ी टाइम से। हमने एक मेटल की उसमें सभी मेटल लगा चुके हमने गणेश जी बाबा पर, चांदी भी लगा चुके, अष्टधातु भी लगा चुके, एक जो मेटल रह गई थी वो सोना रह गया था, वो हम इस साल पूरी तरीके से श्रृंगार बाबा का करेंगे, जो तिरुपति डिज़ाइन में होगा, जो तिरुपति बाबा का जो तरीके से वो श्रृंगार होता है वही हमारे गणेश जी बाबा का तिरुपति स्टाइल में गणेश जी बाबा का श्रृंगार होगा। सर इसमें लगभग 40-50% गोल्ड लगेगा, उसके बाद अदर मेटल भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिससे पूरी तरीके से जो हमारे बाबा का जो प्रतिमा की जो छवि आएगी पूरी तरीके से स्वर्ण छवि आएगी। सर इसकी तैयारी तो पूरे साल चलती है, जो डॉक्टर ताऊ हमारे बना गए हैं वो पूरे साल कारीगर काम करते हैं, जो सारी क्रेंगे बनाते हैं, और उसके बाद जो एंड में जो हम लोग जो जितने भी झांकी के कार्यकर्ता हैं जो कि अनपेड हैं, ये सभी लोग व्यापारी भी हैं इसमें, नौकरी पेशे वाले भी हैं, जो दिन भर अपना काम करने के बाद रात को आते हैं और फिर झांकियां अपने मन से लगन से सजाते हैं बाबा की सेवा के रूप में। तैयारी क्या, अब ये 2 साल से जैसे सब लोग जो एकदम खाली थे उत्साह था, उसी उत्साह से काम चल गया है। काफ़ी संख्या में जो आते हैं कार्यकर्ता और बढ़ के आए हैं, पैसा एक भी नहीं लगता है, सब निःशुल्क ही। हाँ निःशुल्क करते हैं, कोई लेबर नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई पैसा लेता हूँ।